Hello friends, yesterday we learnt about future continuous tense and the structure, and in this lecture we are going to solve question number EF. Okay, let's see the question number E. Circle the most suitable verbs in the bracket. ब्रैकेट में आपको दो वर्ब दिए हैं, तो जो भी ज़्यादा सूटेबल होता है उसको क्या करना है, टिक करनी है या सर्कल करना है। ठीक है, तो वी शैल बी डैश डैश टू डलहौसी नेक्स्ट मंथ, going arriving, going correct, तो going को आप circle करो। My father will be second, my father will be dash dash a speech at the conference, giving or taking, giving correct, my father will be giving a speech at the conference, सर्कल टू गिविंग। विल यू बी डैश डैश द थिएटर वर्कशॉप आफ्टर स्कूल, विल यू बी अटेंडिंग और लुकिंग, अटेंडिंग इज करेक्ट, विल यू बी अटेंडिंग द थिएटर वर्कशॉप आफ्टर स्कूल, circle to attending। Number 4, Radha will be dash dash finger puppets at the art fair, making or having, making correct, Radha will be making finger puppets at the art fair, circle to making। Number 5th, I shall be dash dash in the last row of the choir, and the answer is standing, I shall be standing in the last row of the choir। Last one, they will be dash dash Christmas carol at the performance, and the correct answer is singing, they will be singing Christmas carol at the performance। तो ये सारे आंसर करेक्ट हैं, आप भी अच्छे हैंड राइटिंग में ये सब अपने नोटबुक में लिखो और मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। नाउ टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। Complete the passages as instructed using the verbs in the brackets। आपको एक पैसेज तैयार करना है और जहाँ जैसी इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए आपको ये पैराग्राफ तैयार करना है। तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चार रूल्स के अनुसार हमको ये पैसेज पूरा करना है। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है, ध्यान से देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस, द कुमार्स डैश डैश मूव टू बेंगलुरु इन जुलाई, तो मूव उन्होंने सब वर्ब दिया है, तो वहाँ आप लिख सकते हो विल मूव, तो यह आएगा विल मूव। ओके, विल मूव, द कुमार्स विल मूव टू बेंगलुरु इन जुलाई।
दे डैश डैश स्टे इन इंदिरा नगर, स्टे को आता है विल स्टे, डब्ल्यू आई डबल एल एस टी ए वाई, विल स्टे इन इंदिरा नगर. अर्पिता डैश डैश ब्रैकेट अटेंड अ न्यू स्कूल शॉर्टली आफ्टर दे अराइव, अटेंड को आता है विल अटेंड, विल अटेंड, विल अटेंड. शी डैश डैश इन ब्रैकेट मेक न्यू फ्रेंड्स इन नो टाइम आई एम श्योर, वहां आता है मेक को लिखना विल मेक, W I L L M A K E, will make. इस सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी आपको ब्रैकेट में वर्ब दिए हैं उससे पहले विल निकला, बहुत सिंपल है. दूसरा जो है उसमें इसमें हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको क्या करना है, जो भी वर्ब दिया है उसको पहले हेल्पिंग वर्ब्स लिखना है इज, और फिर जो भी ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया है उसको आईएनजी फॉर्म लगाना है. ठीक है, सारा इज माय सिस्टर्स फ्रेंड, सारा इज माय सिस्टर्स फ्रेंड. शी इज विजिटिंग, विजिट का क्या हुआ इज विजिटिंग, ऐसा लिखो आई एस इज विजिटिंग, इज विजिटिंग. ओके, इंडिया फ्रॉम सिंगापुर, शी इज स्टडिंग संस्कृत एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इज स्टडिंग आई एस इज इज स्टडिंग, स्टडी का इज स्टडिंग संस्कृत एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. शी इज स्टेइंग एस टी ए वाई आई एन जी, इज स्टेइंग, स्टे का इज स्टेइंग विथ अस. एंड सारा ब्रैकेट में टीच है इज टीचिंग, सारा इज टीचिंग टी ई ए सी एच आई एन जी, इज टीचिंग मीन टू स्पीक सम वर्ड्स इन मैंड्रिन. अब हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें यूज करना है, और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करने के लिए हमको पहले जहाँ वॉज आता है वॉज लेने का, जहाँ वियर आता है वियर लेने का, और जो वर्ब दिया है उन्होंने ब्रैकेट में रीड वॉच प्ले हाउल उसको आईएनजी फॉर्म लगाने का. ठीक है, आई को क्या आएगा रे वॉज, करेक्ट आई वॉज, W A S I was, रीड का आएगा रीडिंग R E A D I N G. ओके, I was reading a book in my room. My parents, parents आया तो were, plural है, my parents were. ओके, my parents were watching, W A T C H I N G, watching the news on the television. Okay, my sister akeli hai to was, my sister was, W A S, my sister was play ka playing, P L A Y ing, my sister was playing the guitar and our pet dog, and our pet dog bhi akela hai to was howling, was
एच ओ डब्ल्यू एल आई एन जी हॉलिंग अलोंग टू द म्यूजिक। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा यहाँ फिनिश हुआ। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये भी बहुत सिंपल है। आपको मालूम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम, शैल नहीं तो विल लगाते हैं, और फिर शैल विल होने के बाद जो वर्ब दिया है उन्होंने ब्रैकेट में, जैसे कि स्विच्ड ऑफ, क्रूज, लैंड, स्टार्ट, सर्व, तो उसको क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, द कैप्टन डैश डैश द सीट बेल्ट साइन शॉर्टली, द कैप्टन विल बी, द कैप्टन विल बी, लिखो आप द कैप्टन विल बी स्विचिंग ऑफ, यस डब्ल्यू आई टी सी एच आई एन जी स्विचिंग ऑफ, ये हो गया पहला। द कैप्टन विल बी स्विचिंग ऑफ द सीट बेल्ट साइन शॉर्टली। वी को आपको मालूम है, वी को शाल आता है, वी शाल बी, एस एच ए डबल एल वी शाल बी, क्रूज, क्रूज का आएगा क्रूजिंग, वो लास्ट का ई निकालने का, सी आर यू आई एस आई एन जी क्रूजिंग एट 35,000 feet टूडे। द फ्लाइट ड्यूरेशन इज द फ्लाइट ड्यूरेशन इज 2 hours एंड वी डैश डैश एट द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट 3 PM। तो लैंड है तो वी को आता है शाल या विल, कौन सा भी लिख सकते हो। वी विल भी लिख सकते हो, शैल भी लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। वी विल बी लैंडिंग एल ए एन डी आई एन जी विल बी लैंडिंग एट द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट 3 PM एंड इन फ्लाइट मूवी, एंड इन फ्लाइट मूवी will be starting, will be starting, S-T-A-R-T-I-N-G starting in 10 minutes। and last है the flight attendants dash dash a light lunch shortly, sir के जगह आएगा serving, और द फ्लाइट अटेंडेंट्स को आएगा विल बी। ओके, द फ्लाइट अटेंडेंट्स विल बी सर्विंग, यस ई आर वी आई एन जी सर्विंग अ लाइट लंच शॉर्टली। तो ये हमारा कंप्लीट द पैसेज एज इंस्ट्रक्टेड यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगला पार्ट सीखेंगे। थैंक यू।